थैंक यू विजन यू। आज मैं आपको सपनों के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, सपनों के बारे में बताने वाला हूँ कि उसे कैसे हासिल किया जाए। सपने सभी देखते हैं, वो सपने देखना भी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देख रहे हैं तो हम जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे हम कुछ नए मकाम हासिल नहीं करेंगे। हम लोगों को खुद को पता नहीं है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे क्या सक्सेस हासिल करने के लिए कोई फार्मूला है? मैं कहूँगा फार्मूला नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो फॉलो करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन स्टेप्स को फॉलो किया है, और जब ये स्टेप्स को वो फॉलो करते हैं वो अपने सपनों को हासिल भी उतने आसानी से कर पाते हैं। आज भी अपने हर सपने नए बनाते रहते हैं और उन सपनों को हासिल करने के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो आज मैं आप लोगों को 7 पहलू बताऊँगा सपने हासिल कैसे करने हैं। सो सबसे पहला पहलू तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि सपने देखना ज़रूरी है। सपने देखिए आप, सपने अगर नहीं देखोगे तो उन्हें हासिल कैसे करोगे? सपना होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आगे का, कुछ ना कुछ बड़ा आपको चाहिए होना चाहिए, और यही चीज़ ज़रूरी है सपने के साथ में। हमारी ओरिफ्लेम की दुनिया में हम लोग सपनों को बहुत अहमियत देते हैं। हम लोग खुद लोगों से कहते हैं कि सपने देखो, उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करो, और जब वो मिल जाए, जब आप उसे हासिल कर लो तो उसे इंजॉय भी करो, उसके साथ मज़े भी करो। सो सक्सेस के साथ में हम लोग हमेशा सपनों की बात करते हैं, और सपनों हासिल करने के लिए जो मैंने आपसे पहला पहलू कहा वो है सपने देखना ज़रूरी है। सपने देखना है तो भले ही वो महंगे हो, वो बड़े मुश्किल हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल सपने देखने से भी कुछ हासिल नहीं होता है, कि इम्पॉसिबल सपने कभी हासिल नहीं होते। लेकिन हाँ, सपने बड़े होने चाहिए, महंगे होने चाहिए, और साथ ही साथ सपने जो है वो मुश्किल हो तो चलेगा, क्योंकि उन्हें फिर भी हासिल किया जा सकता है। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सपना देख रहे हो तो उसमें यकीन भी कीजिए। बिलीव इन योर ड्रीम्स। इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, बट ऑब्वियस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ही आपको बताएगा कि सपने देखना जितना आसान है उसे हासिल करना भी उतना ही मुमकिन है। आप सपने देख रहे हो तो उसे पा भी सकते हो, और उसे हासिल करने के लिए आप अगर अपना हौसला बढ़ा सकते हो तो वो सिर्फ उस पर यकीन करके। यकीन करो कि आपने जो सपना देखा वो सही है और आप उसे हासिल कर सकते हैं। तीसरा पहलू, अगर आप सपना देख रहे हो तो ऐसा कई बार होता है कि हम सपना देखते हैं और उसे कुछ दिनों बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों के अंदर बिजी हो जाते हैं लाइफ में। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो भी सपना देख रहे हो ना, अगर हो सके तो उसे एक इमेज फॉर्म में, किसी पोस्टर में, किसी फोटो के फॉर्म में आप निकाल लो, अपने पास तैयार करो, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने ड्राइंग हॉल में लगाइए, ताकि जब भी आप वहाँ से अपने बेडरूम में जाएँ या जब भी आप ड्राइंग हॉल से गुजरे तो आपको वो पिक्चर नज़र आए, वो इमेज नज़र आए, और आपको अपना सपना वो याद दिलाता रहे। और जब भी आपका सपना आपको याद आता रहेगा, आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करोगे। ये हुआ तीसरा पहलू। अब रहा चौथा पहलू। चौथा पहलू ये है कि चलो मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको कि अगर मैं सपना देखूँ या आप सपना देखते हो और आप किसी को बताते ही नहीं, तो वो सपना आप अगर किसी को नहीं बता रहे हो ये सोच के कि वो हासिल हो जाएगा तो मैं किसी को बताऊँगा, तो शायद आप खुद अपने सपने पे यकीन नहीं रख रहे हो, आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप उस पर शक कर रहे हो कि वो पूरा हो गया है। रादर अगर आप लोगों को उसके बारे में बताना शुरू करोगे तो शायद आपको कुछ लोग सपोर्ट में भी आ जाएंगे, कुछ लोग आपको मदद भी करना शुरू कर देंगे आपका सपना हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ आपका खुद का विश्वास भी उसके साथ बढ़ते रहेगा। आप खुद को भी याद दिला रहे हो, आप लोगों को भी याद दिला रहे हो, लोग भी आपको याद दिलाएंगे। सो जितना हो सके अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना सपना शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ कीप टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, कीप टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, सो इट विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स वेरी इजीली। पांचवा पहलू ये है कि जब हम कोई सपना देख रहे हैं तो हमें उसके लिए प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम उसे कितने दिन में पा सकते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं तो हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आप अपना एक प्लान के साथ में काम करो तो आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को ज़रूर 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 अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ प्लान करना भी ज़रूरी नहीं। छठवां पहलू आता है कि अगर आप प्लान कर चुके हो तो अब उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। अब उसके अपने सपने को हासिल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, और उसको हासिल करने के लिए एक एक पायदान, एक एक कदम आपको आगे बढ़ते जाना है। और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सातवां पहलू आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
और मैं उससे बहुत मायने देता हूँ कि आप ये सारे प्रोसेस को एंड टू एंड शुरू से आखिर तक आप इसे एंजॉय कीजिए। आप जहाँ से सपना देखना शुरू करते हो वहाँ से आप उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए, और जहाँ पर आप उसको हासिल करते हो वहाँ तक उसको एंजॉय कीजिए, और सिर्फ वो एंजॉयमेंट आपकी वहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आप अपना सपना हासिल कर लो तो उसके बाद भी उसे एंजॉय कीजिए, ताकि उसकी अहमियत आपको पता रहे, उसकी कीमत आपको पता रहे, और आप जानते हो कि आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, तो उस चीज़ को एंजॉय करना आपका हक बनता है। सो सात पहलू जो मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। पहला पहलू कि सपना देखना ज़रूरी है। दूसरा पहलू कि अगर हम सपना देख रहे हैं तो उसमें बिलीव करें। तीसरा पहलू कि हम कहीं ना कहीं उसको इमेज फॉर्म में देखते रहे, ताकि हमको याद दिलाता रहे, वो फोटोज़ वो इमेजेस हमको याद दिलाते रहे कि हमारा सपना क्या है। चौथा पहलू, हमें अपने सपने के बारे में अपने लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है। पाँचवा, हमें प्लान करना ज़रूरी है, और एक बार हम लोग प्लान कर लें तो छठवें पायदान पर आते हैं, जहाँ पर हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। और ये सातवां पहलू मैंने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सारे प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय करते हो तो सक्सेस आपको 101% मिलेगा, आपके ड्रीम्स आप अचीव कर सकते हो। सपना हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे मैंने कहा था कि ये सच है, हम लोग ओरिफ्लेम की दुनिया में सिर्फ सपनों की ही बातें करते हैं। हम खुद भी सपने देखते हैं और हम लोगों से भी कहते हैं कि सपने देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसे हासिल कीजिए, और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ। Take care for now. Bye-bye.